हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आज मैं चली अपने बच्चे को संडे को लेकर भाभी के साथ दादा भैया मंदिर, जो हरियाणा से लोग लोकल होंगे उनको पता होगा दादा भैया मंदिर। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, बट भाभी बोली यहाँ पे। स्विच खोल दो, वीडियो बना रही हूँ मैं। ठीक आने के बाद जो है वो मनोकामना पूरा होता है। बट देखो, मैं ज़्यादा कुछ कहीं भी जाती हूँ तो मनोकामना नहीं मांगती हूँ। मेरा एक ही कहना होता है, भगवान आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ है, आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारा कुछ जान रहे हो, आपसे क्या शेयर करना। कोई इंसान नहीं हो भगवान कि आपसे दुख शेयर करूं या कुछ करूं, तो सब आप जान रहे हो। तो आप ही अब समझोगे मुझे दुखिए का, कि इस दुखिए के साथ क्या दुख है। और मैं भगवान से कहीं नहीं वो मांगती हूं, कहीं कुछ भी नहीं मांगती हूं। सब छोड़ दी बिल्कुल ऊपर वाले पे, जो करोगे आप ही करोगे। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में अगर कुछ होता तो मैं बहुत कुछ कर जाती, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। ये दादा भैया मंदिर है, यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभी आप लोगों को भाभी बताएंगी इसके बारे में कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कितने दूर दूर से लोग आते हैं, तो सभी बताएंगे। आप लोग को मैं लाइव दर्शन करवा रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लो। तो मैं अभी एडिट जो वीडियो कर रही हूँ वो रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है। और मैं आप लोग के लिए जहाँ भी जाती हूँ तो गाइज थोड़ी सी क्लिप शूट करके ले आती हूँ, जैसी भी हो लेकर आती हूँ। बट आप लोग का प्यार दुलार सपोर्ट है बहुत कम हो गया है, मेरे लिए बहुत कम हो गया है। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग इंजॉय कीजिएगा। बहुत अच्छा था बच्चे के लिए, पार्क वगैरह, बच्चे का तो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया था। बच्चे बहुत खुश हुए थे यहाँ जाने के बाद। बच्चे को पार्क मिल जाए, झूले मिल जाए, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मुझे अकेले तो मैं कहीं लेकर नहीं जाती हूँ, बट हाँ, बच्चे कोई मिल जाए साथ में जाने के लिए। देखो भाई श्वेता, हाँ, ये हमारा हाँ दादा भैया है, हाँ, और यहाँ पे देश विदेशों से लोग आते हैं। अच्छा, बाहर देशों से। इसकी इतनी बड़ी महानता है, हाँ, कि एक बार जो यहाँ पे आ जाए, जो मनोकामना मांग ले वो पूरी होती है। अच्छा, और बड़ी बड़े बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, इसको ढोकने के लिए, इसको पूजने के लिए। हाँ, और एक बार में तो ऐसा था कि यहाँ पे ये जो रेल की पटरी आ रही है ना, वो हाँ हाँ, वो रेल की पटरी यहाँ पे आ रही थी। अच्छा, ऐसे घूम के वहाँ से, हाँ, ऐसे इसके ऊपर आ रही थी, जो ये शिला निकल रही है ना दादा भैया की, हाँ हाँ, तो उसके ऊपर जब रात को वो बना के काम करके जाते, हाँ, और सुबह उखड़ी मिलती। अच्छा, चार बार रेल की पटरी यहाँ पे चली है और उसके बाद चारों बार उखाड़ दी। अच्छा, दादा भैया ने फिर दादा भैया प्रकट हुए थे, उन्होंने ये बोला कि यहाँ रेल की पटरी नहीं आएगी, यहाँ पे मेरा स्थान है, मुझे स्थान दो, तब जाके ये यहाँ पे वहाँ पे रेल की पटरी दर्शन कर उधर निकली। अच्छा, ये पहले ये सिर्फ छोटा सा मंदिर था, हाँ, पहले इतनी जगह नहीं थी, जब मैं आई थी, हाँ, जब इतनी नहीं थी, हाँ, थी बड़ी मगर इतनी बड़ी नहीं थी, बड़ी नहीं थी। और अब तो मतलब इसमें काफी बड़ी जगह दे दी है, हाँ, पूरा एकदम ग्राउंड, हाँ, बना है पूरा, मगर ये छोटा था, छोटा था, ये थोड़ा बड़ा पक्का बना दिया, बड़ा बना दिया अब, हाँ, बड़ा मतलब ये दादा भैया जो हमारा है, हाँ, ये बड़ा ही खूबसूरत बना रहे, हाँ, बहुत ही खूबसूरत नाम है इसका दादा भैया, ये दूर दूर तक के लोग जो है वो इसे पूछते हैं, और मनोकामना पूरी होती है। मैं तो ये कहती हूँ कि दादा भैया जैसी हमारी मनोकामना पूरी करी है, ऐसी सबकी करना। जय दादा भैया, जय दादा भैया। तो गाइस, ये जो हॉर्स दिख रहा है ना, ये दादा भैया का हॉर्स है। दादा भैया इस पे चलते थे।
दादा भैया इसी पे बैठते थे, अपना सवारी करते थे दादा भैया इसी पे। और जैसे कि सुने ही आप लोग, शौर्य आया, शौर्य आया हुआ है, हर्षनी आया। हाँ तो हम का तो इसमें क्या है? अच्छा कुआं है। अंदर जाना है? पकड़ना दीदी ऐसे, मैं भी काटू। ऑन है ये, अब तो मट्टी काफी नीचे जा रही है। मट्टी ऊपर थी तो, हाँ पहले मट्टी निकाल, तो इसमें बीच में थोड़ा ना जाते होंगे। हाँ, पानी 7 बार या 5 बार 11 बार किसी तरह मर्जी। देखिए कितना सुंदर सीन आ रहा है, बहुत प्यारा ही सीन है। उस वाले पार्क में, उस साइड। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे मस्ती कर रहे हैं, फुली इंजॉय। बच्चे क्यों, बड़े बड़े भी मस्ती कर रहे हैं। बड़े बड़े भी मस्ती कर रहे हैं। देखो भाभी भी घूमेंगे इस पे। ये टकलू उतर गया बड़ा सीधा सा बच्चा। उतर गया झूला। नहीं झूला तो क्या झूला है, कहीं साड़ी ना बज जाए। यहीं से तो आओगे? हाँ आ जाओ, बांध लो साड़ी को आगे अच्छे से। हाँ आ जाओ यार, बस बज गई।